Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the great viewers. Good morning, good evening, good night, or best wishes to whole world. हम ये तीनों क्यों कहते हैं? क्योंकि जमीन गोल है, कहीं सुबह हो रही है, कहीं दोपहर है, कहीं रात है, तो हमने सोचा सिर्फ अस्सलाम वालेकुम तो है ही है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट तमाम यूनिवर्स को हमारा सलाम। आपका मेजबान यकूब जावेद कमयारा प्रोग्राम लाइव विद वाईजे कमयारा के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, फ्रूटफुल है और बेनिफिशियल टू होल कम्युनिटी, और खसूसन ख्वातीन जो हमारी किचन में काम करती हैं, और उसके बाद वो सिर्फ ख्वातीन तक ही महदूद नहीं है, वो जो बना के जो फूड कुकिंग करती हैं वो खुद बेचारी वो सिर्फ खुद नहीं खाती, हमें सर्व करती हैं, मेहमानों को सर्व करती हैं, घरों में हर घर की ये जरूरत है। बाकी कोई चीज हो ना हो, घर में दो तीन चीजें किचन में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एक गरीब घर से लेके 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक और व्हाइट हाउस तक, दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो घर हैं उनके किचन हैं, और उस किचन की जो जरूरत है वो क्या है? पैन। हम पंजाबी में उसको तवा कहेंगे, फ्राई पैन कहेंगे। इस तरह के दो तीन जो मेजर बर्तन हैं वो हमारी जरूरियात जिंदगी का जुज्वे लाइफ यूनिफिक हैं। तो आज हम द ग्रेट व्यूअर्स वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज अ स्टनिंग एस्पेक्ट विच इज गोइंग टू काज कैंसर एंड काज ऑफ मेजर डिजीज। वो क्या है? ये फ्राई पैन हो गया। माजी में हम फ्राई पैन का तो खैर तस्वर बहुत कम ही था, देखचियां थी, देखचे थे, और जो बहुत बड़ी अय्याशी का सामान था जिसपे सारे घर के परौठे पकते थे, सारे घर की रोटी बनती थी, उसको कहते थे तवा। अब आप उसको पैन कह दें, रोटी पैन कह दें, फिर जरा कोई तड़का मटका फ्राई की चीजें, फ्राई पैन आ गया। माजी में वही देसी लोहार तवा बनाता था, तवे पे रोटी बनती थी, तमाम मोहल्ले में खुशबू उठती थी देसी की। हमने अपनी जिंदगी में वालदा मरहूमा के हाथ की जो चीजें खरीदी हुई थी, जो दादी के हाथ की खरीदी थी, जो नानी के हाथ की खरीदी थी, जो हमारी फुफियों के, इवन हमारे फुफियों के गांव में, हम तो हमारी आंख तो फ्री टाउन साहिवाल में खुली, उस एक बड़ी हवेली में एक तवा, उसकी खूबसूरती बरकत। आज लाहौर, आज बड़े शहरों में भी यही है, तवा एक है या दो है, वो कहां से बन के आता है? हमने कभी नहीं सोचा। वो लोहार किधर चले गए? वो उसको बनाने वाले वो किधर चले गए? वो पुरानी चीजें किधर चली गई? देहातों वाले, देहातियों से मैं गुजारिश करूंगा, हमें बताएं कि वो जिस कड़ाहे में, जिस बड़े बर्तन में, जिसको कड़ाह बोलते हैं, उसमें गुड़ बनाते थे, हमें होश, हमारी होश में हमने उसको कभी खराब होते नहीं देखा, कभी गले हुए नहीं देखा, कभी उसके ऊपर से उसको रस्टेड नहीं देखा। क्या हो गया? अब हमारा सारा ट्रेंड जो है वो हम ब्रांडेड स्टोर की तरफ चल पड़े हैं। मैं उसका बड़ा कर्म है मालिक कायनात का, मुझे अल्लाह पाक ने ये सहूलत दी हुई है कि मैं दुनिया में जाता हूं, वहां भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, ब्रांडेड शॉपिंग सेंटर है, वहां हम खरीदो फरोख करते हैं, बच्चे चीजें खरीदते हैं, मजाल है, होता होगा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज दुनिया में नहीं किया जाता। काश हमारे मुल्क में कभी, हम बहुत पहले, मैं बाहर से अमेरिका से, लंदन से ऑलिव ऑयल लेके आता था, शहद लेके आता था, और बेशुमार चीजें लेके आते थे। आज उसका कर्म देखिए, मेरे इस मुल्क में शॉपिंग सेंटरों का भरमार है, ब्यूटीफुल शॉपिंग सेंटर भरे पड़े हैं, दुनिया की हर चीज यहां सजी सजाई है, लेकिन शॉपिंग मॉल तो बन गए, शॉपिंग हब तो बन गए, हाइपरस्टार बन गए, मेट्रो बन गए, मैक्रो बन गए, विक्टोरिया बन गया, और बड़े बड़े अल्फादे तो पुराना था, मैनी अदर्स, जो दुनिया की तमाम ब्रांडेड शॉपिंग सेंटर स्टोर थे हमारे यहां आ गए। लेकिन हमें जो हमारे मुल्क की अपनी प्रोडक्ट है, जो हमारा, हमारी फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो प्रोडक्शन दे रही हैं, आया वो जो कंपनियां हैं, क्या वो क्वालिटी मेंटेन वही कर रही हैं जो हाइपरस्टार पे मिलना चाहिए, जो मेट्रो पे चीज बिकनी चाहिए? नहीं जनाब, हमारा जाती तजर्बा तो ये कह रहा है। मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं एक घर का फर्द भी हूं,
मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक शौहर भी हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, लिहाजा मेरा एक घर है और मेरे घर में ये तमाम अशिया आती हैं। हमें लोगों से क्या पूछना, हमारे अपने घर की बात। मेरे पड़ोस में मॉडल टाउन लिंक रोड पे डीएनएम स्टूडियो के जस्ट क्लोज टू मॉडल टाउन लिंक रोड ऑपोजिट टू गोरमे बेकर्स बहुत बड़ा ग्लैमरस मेट्रो शॉपिंग सेंटर है। वी आर बेस्ट वन, बहुत बड़ा बना, दुकानों हटियों से उठे, बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर पे गए, हाइपर आ गया और फिर पैकेज मॉल आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन नियत में फतूर आ गया, क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो गई। ये आपके सामने दी ग्रेट व्यूअर्स, ये देखिए नीचे आप डिस्प्ले में हमारे देख रहे हैं, ये पैन है, ये नॉनस्टिक पैन है, ये दो दफा हाइपर, ये माई अपोलॉजी, ये दो दफा मेट्रो शॉपिंग मॉल मॉडल टाउन लिंक रोड बदल चुका है, लेकिन ये कितने बार बदलेंगे। ये रोटी पैन तवा पड़ा हुआ है, ये दोनों आप देखिए, ये एक को तो ऐसे लग रहा है जैसे चीचक हो गई है, स्मॉल पॉक्स हो गया, गल सड़ गया। इस पे जिस तरह मैं समझता हूं कि हमारी घरेलू ख्वातीन की बड़ी हिम्मत है कि वो किस तरह, इससे तो वैसे ही नफरत आती, देख के नफरत आती है। और ये किसी बेचारे गरीब लोहार से नहीं खरीदा जो टाउनशिप में बैठा हो, जो किसी ओकाड़े साईवाल की गलियों में बैठा हो या किसी देहात में बैठा हो, उनसे नहीं खरीदा, ये मेट्रो शॉपिंग मॉल से खरीदी हुई ये प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए इनका क्या हाल है, हमने इनको बहुत दफा जगाया उठाया लेकिन कोई असर नहीं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, उसको बुला लो, क्वालिटी कंट्रोल वालों को बुला लो, एंड रिजल्ट सीओ। हमने जर्मन मेट्रो शॉपिंग मॉल का जो सीओ या मैनेजिंग डायरेक्टर है जर्मन है, जर्मन साहब सोए हुए, वो आएंगे डॉलर में तनख्वाह लेंगे, चले जाएंगे, मुल्क की जो करेंसी है वो डिवेल्यूएट है। हमने हर इदारे में गोरे बिठा दिए हैं, अपने पाकिस्तानी बिठाइए जिनको दुख दर्द हो। तो हमारी गुजारिश है, हमने मेट्रो शॉपिंग मॉल को बहुत दफा कहा, क्वालिटी बेहतर करें, बहुत खूबसूरत इंतजाम हैं, सारा कुछ ठीक है, बेहतर कीजिए और बेहतर कीजिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सब्जी को हम ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन ये इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये बीमारियों का बायस है, ये कैंसर का बायस है, ये इंसानी सेहत की तबाही का बायस है। तो आज हमने जहमत दी है अपने स्टूडियो में, अ वेरी सीजन्ड बिजनेसमैन है, स्पेयर पार्ट्स के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, हमने उनसे गुजारिश की है, आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। जनाब अशरफ नाज साहब हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और सारी वो फैमिली जो है उनका बिजनेस ये है, लिहाजा हम आपसे आपको मिलाने जा रहे हैं। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे जनाब अशरफ साहब से। ग्रेट व्यूअर्स, दिस इज मेट्रो कैश एंड कैरी लाहौर पाकिस्तान, सिचुएटेड ऑन मॉडल टाउन लिंक रोड। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स, आइए तो मुलाकात कराते हैं आपकी, द लीजेंडरी बिजनेसमैन, हाईली क्वालिफाइड जनाब अशरफ नाज साहब, अशरफ फलक साहब, सॉरी माजर चाहते हैं, नाज हमें उन पे है लेकिन वो अपना जो तखल्लुस रखते हैं वो अशरफ फलक साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ फलक साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जनाब। नाज तो आपकी बेगम को तो आपसे वैसे ही नाज है, बच्चों को नाज है, तो हमें भी आप पे बड़ा नाज। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रेट प्रोग्राम लाइव विद वाईजे कमियाना, और आप बिजी भी थे, आपके मेहमान आए हुए थे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मेरी जात का नहीं है, ये आपकी जात का नहीं है, ये सबका है। और जैसे कि अभी हमने इंट्रो में बताया कि ये जो प्रोडक्ट जिस पे हम रोटियां बना रहे हैं, जिस पे हम सारा दिन तल तला कर रहे हैं, ये आज से 30 साल पहले कैसा था और आज कैसा है? तो पहले तो ये बताइए कि आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसे लग रहा है, हमारा शौक कैसे लग रहा है और टॉपिक कैसे? बहुत अच्छा जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। जी, जो आपने प्रोग्राम का आगाज किया और इसमें आपने जो ब्रीफिंग दी और बताया कि ये जो तवे और पैन जो है इनकी क्वालिटी क्यों इस तरह है, इससे पहले भी ये बनते थे और आज इनमें कौन सी ऐसी चीज आ गई है जो कि ये इस तरीके से कोटेड करके अब पेश किया है। बड़ा आपने अशोक भाई, आपने इतना प्रॉपर वर्ड बोला है, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि जरा उस बचपन में मुझे ले जाइए जब आपने और मैंने भाग के स्कूल पहुंचना होता था और वालदा मोहतरमा किस तवा, क्या वो हाइपर स्टार से खरीदा होता था, क्या मेट्रो से खरीदा होता था या लंडन से खरीदा था, उस तवे से स्टार्ट कीजिए। वही तवा जो है वो सारे हर जो
बंदा आजकल की एज का है बल्कि इससे पहले और आज भी दसों से हर घर की जरूरत वो तवा या पैन या हॉट प्लेट उसे कह लें कोई नाम उसे दे लें वो आज भी हर घर की जरूरत है और वो उसी तरह से बन भी रहा है बिक भी रहा है लेकिन कुछ माफिया ऐसा माफिया है जो कि कुछ चीजों को कोटेड करके ठीक है उसमें हो सकता है कि वो कोटेड से कुछ जैसे नॉन स्टिक कहते हैं कि ये चीजें हैं नॉन स्टिक में चीज नीचे लगती नहीं है उसमें मतलब वो चिपकती नहीं है उसके साथ लेकिन नॉन स्टिक के साथ साथ जो हम कैंसर ले रहे हैं या डिजीज ले रहे हैं वो उसको आप एक नॉन स्टिक को किसी मखसूस किस्म के चम्मच के साथ आप उसको सिर्फ मूव कर सकते हैं जबकि लोहे के तवे पे आप देखें कि आम चिमटा होता था उसी से पराठे कर दिए जाते थे अब ना तो आप कोई लोहे की चीज उस नॉन स्टिक पैन में इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि उसके स्क्रैच से जो उसकी कोटिंग उतरती है वो सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह है कि वो आप बयान नहीं की जा सकती लेकिन क्या है कि कंपनियां यहां पे बनाई जा रही हैं वो सिर्फ एक काला सा रंग फेर रही है। अशोक साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोटिंग है अब कोटिंग से पहले ये बताएं कि वो लोहार किस चीज की कोटिंग करता था किसी चीज की कोटिंग नहीं करता तवा नहीं सर थोड़ा सा देहात में चले चलते हैं वो जो कड़ाहा जिसमें गुड़ बनता था कभी सुने कि गुड़ खराब हो गया और कड़ाहा जो है उसको वो उखड़ गया हो जरा बताइए सर क्योंकि आपका जरा ये भी बता दें कि आपका जो आप जो बिजनेस करते हैं ऑलमोस्ट रिलेटेड है वो चूंकि आप हैवी इंडस्ट्रियल बिजनेस करते हैं उसमें अगर आप क्या बनाते हैं जरा हमारे नाजिम को बताइए कि आप क्या प्रोड्यूस ऑटो प्रोडक्ट बनाते हैं ऑटो पार्ट्स किस चीज के मेटल के लोहे के और वो आगे कहां लगते हैं वो गाड़ियों में और अब अशरफ साहब हमारे ग्रेट व्यूअर्स हम अशरफ साहब को इस साइड पे ले आए हैं कि ऑटो पार्ट्स बनाते हैं कहां लगते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में सर नॉर्मल गाड़ियों में बड़ी गाड़ियों में आप कोई एक जो आपका पुर्जा है मेजर जो आप बनाते हैं एक दो के जरा नाम बताइए हमारे नाम फैन शराउड इस तरह के कई पुर्जे हैं शीट मेटल के पार्ट्स बनाते हैं अगर वो भी खराब होने शुरू हो जाए तो आपका कारोबार चल सकता है सर नहीं जी बिल्कुल आप पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान में काम करते हैं या बाहर एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट भी मैं करता हूं कहां करते हैं सर मैं जर्मनी फ्रांस अमेरिका तो आपको जर्मनी फ्रांस वाले छोड़े खुदा ना खास्ता अगर आपकी क्वालिटी में एक परसेंट का कॉम्प्रोमाइज नो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है हर चीज में वहां पे नो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज है ना जी यहाँ चावल पुलाव वगैरह रेड वाले आ गए अपना आ गए सबको देना है जी जी सबको देना है लेकिन सबको दीजिए अशरफ साहब आप और मैं हट्टी से उठे हट्टी से चीजें खरीदी बिल्कुल फर्स्ट क्लास था आज मेट्रो शॉपिंग मॉल पे जो चीजें ली गई हैं वो सामने पड़ी हुई हैं ग्रेट व्यूअर्स ये उनका तवा है ये उनका पैन है दो तीन दफा कह चुके हैं उनके गोरे को कहा है माफिया मांगते हैं इस दफा ठीक हो जाएगा आइंदा ठीक हो जाएगा कब ठीक होगा जब चिरागों में रोशनी ना रहेगी जब लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे नहीं अशरफ साहब हो गए हैं डॉक्टरों अस्पताल भरे पड़े हैं हम अस्पतालों के पीछे पड़े हुए हैं हम इस मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा है मैंने अब सेक्रेटरी हेल्थ को कह रहा हूं जनाब इमरान खान साहब को तो पता नहीं ये बात पहुंचती क्या पहुंचना है क्या होना है लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है डायरेक्टर जनरल फूड पंजाब हैं खुदा के लिए इन बड़े शॉपिंग सेंटरों में जाएं आपने कमाल की डिप्टी कमिश्नर साहब आप बेहतरीन काम कर रहे हैं डीजी फूड आप लगे हुए हैं आपने पीसी की मार की अवारी की मार की बड़े शॉपिंग सेंटर पे लेकिन फॉर गॉड से ये जो बड़े शॉपिंग सेंटर हैं इनकी जो वो फूड कुकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी छापे मार दीजिए बुरा हाल है मैं अशरफ साहब आपको एक छोटी सी बात कर दूं कि बीन्स जो फलियां नहीं बीन्स पकाने वाली एक पैकेट हमने मेट्रो शॉपिंग मॉल से लिया जब घर आए तो उसमें लाइव बैक्टीरिया दौड़ रहा था हम गए तो जब उनको जाके प्यार से कहा किसी ने बात नहीं सुनी जब हमने कहा कि ये बंद हो जाएगा तो उन्होंने कहा जी क्या आप चाहते हैं कि 4000 बंदा बेरोजगार जो है तो मैंने कहा जी क्या आप चाहते हैं कि लाखों बंदा वैसे मचे खाके तो कोई असर नहीं लिहाजा आप सिर्फ ये बताइए कि ये कोटिंग जो है सर कोई आप सीजन फैमिली आपका बिजनेस ये है कोई एडवाइस बताइए कि ये क्या होना चाहिए गवर्नमेंट को बताइए कि इसका सदेबाब क्या हो
ये कॉज हो रही बीमारियों की। अशोक साहब देखिए जी, ये कोटिंग जो है बाहर के मुल्कों में भी चलती है, लेकिन उनके कुछ स्टैंडर्ड हैं। ओके, उस स्टैंडर्ड को वो मीट करते हैं। इसकी लेयर्स होती हैं डिफरेंट, जो नीचे की लेयर और होती है, ऊपर की लेयर और होती है। अगर इसकी ऊपर की लेयर उतर जाए तो वो उस पैन को या उस प्रोडक्ट को कंडम कर देते हैं। सर एक मिनट, अच्छा ये कहते हैं जब हमने इनको ये पॉइंट रेज किया तो अब मुझे बताएं, आप कहते हैं जी कि इसके ऊपर चमच नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगा चमच, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, धुआं लग गया, खराब हो गया, किधर जाएं? कहते हैं आप उसको छेड़ा तो नहीं था जब ऐसे तो आप देसी प्रोडक्ट की तरफ फिर क्यों नहीं आते? तो आप देखें कि आज भी देखें कि माइक्रोवेव ओवन के असरात, मुजर असरात लोगों की सेहत पे जो असर डाल रहे हैं, लोग उस तरफ वापस आ रहे हैं, कम इस्तेमाल हो रहा है, वो भी कैंसर की कॉज बन रहा है। माइक्रोवेव ओवन भी कैंसर की कॉज बन रहा है। आप देखें, आप घर में वही सालन, वही अपना जो खाना है जो भी उसको तवे पे या उस देशकी में या किसी चीज पर गर्म करें तो उसका टेस्ट कुछ और होता है, माइक्रोवेव में कुछ और, वो सूसू नजर आ रही होती है उसकी, वो हॉटनेस को फील हो रही होती है, लेकिन वो जायका नहीं बनता जो एक अच्छे तरीके से, वो जायका नहीं बनता जो कच्ची हांडी का, जो वो हाँ वो जायका दही का नहीं बनता जो कूड़े की दही की। अशोक साहब ये आप पिछले आप वालिद मोहतरम हाजी साहब आप ये सारे बिजनेस पे हैं, क्या रॉ मटेरियल में आपको भी दिक्कत है? रॉ मटेरियल से आप चीज उठाएंगे ना, कोटिंग तो बाद की बात है, आप रॉ मटेरियल का कोई बंदोबस्त बताएं? रॉ मटेरियल तो यही है जो गलियों से उठाया जा रहा है। सर यकूब जुबेद मैंने साहब, रॉ मटेरियल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, ये नीयतों पे डिपेंड कर रहा होता है या उसकी, मेरे एक अजीज है उनकी फैक्ट्री है ये तवा बनाने की गुजरांवाला में। ओके, वो ये तवे बनाते हैं देसी तवे जैसे जो चलते हैं हमारे पुराने दौर के। अच्छा जी, और वो बहुत बिकते हैं उनके वो, लेकिन इसका भी एक तरीका कार है। एक नॉर्मल मिसाल के तौर पे 4 mm की प्लेट लेके तवा बना दिया। ओके, एक वो ये तो आम चलता है ना, एक होता है कि तवे को हैमरिंग करके उसके जो कॉन्टेंट उनके उसके जो अंदर कॉन्टेंट होते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है। ओके, और वो मैंने उसे एक पता है ऐसे ही कहा, उसने मुझे कहा ये मैं आपको तवा गिफ्ट दूंगा, मैंने कहा ये दे दो, कहते नहीं ये नहीं लेके जाना, मैं आपको तवा दूंगा। अच्छा, उसने मुझे मेरे घर के लिए तवा दिया, मैंने कहा इसमें क्या खूबी है? उसने कहा कि इसके अंदर जो वैक्यूम है वो उसको कंप्रेस कर दिया गया। अच्छा, वो जो हथौड़े से लगे हथौड़े से लगा के, उससे ये है कि इसमें कोई स्पेस नहीं है। अब जो इस पे आप रोटी बनाएंगे वो जलेगी नहीं, आप रोटी आप आग के नीचे तवा रख देते हैं, ऊपर आग के ऊपर तवा रख देते हैं, तवा एकदम हॉट प्लेट बन जाए, आप रोटी डालते रोटी एकदम से जल जाती है। क्यों? वो आसानी से ये प्लेट पकड़ी काटा तवा बना के देती है, अंदर से हॉलो हो जाता है या अंदर से कोई उसके खराब हो जाता है, खराब होती है। जब आप उसको कंप्रेस कर देते हैं थोड़े से मार मार के तो उसके वो सारे गैप्स खत्म हो जाते हैं और वो सॉलिड हो जाती है और उससे ये रोटी नहीं जलती। ये उस बंदे ने, ये जो मेरा अजीज था, उसने मुझे बताया कि ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाया, ये हम बनाते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बनाते? ये लोग पैसे नहीं देते। अब यही हाल ये कोटिंग वालों का है कि कोटिंग अगर अच्छी की जाए तो वही चीज मिसाल के तौर पे अगर 1000 रुपए की है वो 1200 की हो जाएगी, लेकिन उसको सस्ता करने के लिए 800 की करने के लिए घटिया कोटिंग रंग लगा दिया या कुछ इस तरह कर दिया, उससे बड़ा गर्व कर रहे हैं लोगों की। लेकिन पहले तो ये है कि आप अपने अजीज को हमारा सलाम कहिए, उन्हें कहें कि इतने बड़े प्रोग्राम में आज हमने प्रोग्राम किया और इतना खूबसूरत जिक्र किया अशरफ साहब ने कि आपका पैगाम लोगों तक जाएगा कि अब भी गुजरांवाला में, साहिवाल में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, इस पाकिस्तान की खूबसूरत धरती में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हथौड़े से पसीने खून पसीने से कमाई कर रहे हैं और लोगों का ख्याल रख रहे हैं। लिहाजा हम वापस कैसे लौटे उस दुकानदार के पास, कैसे लौटे जिसके पास अशरफ साहब वो खुशबूदार सरसों का तेल था, वो घी था, वो सारी चीजें थी, वो साबुन था, लेकिन अब सब नापेद हो गई हैं। अब कोई हाइपर पे दौड़ रहा है और हाइपर हुए जा रहे हैं। तो अशरफ साहब आप ये बताएं कि ये तो हो गया तवा पैन ये वो, बाकी जो चीजें बिक रही हैं ये क्या करेंगे, हम किधर जा रहे हैं? कोई चीज उठा ले अशोक साहब, दूध का ले लें, दूध आपके घर में भी आता है, मैं गोरमे का इस्तेमाल करता हूं। बड़े हम सुनते हैं जी 2 साल पहले गोरमे का पानी पकड़ा, स्टिंक पाउडर मैंने पकड़ा, उसको 2 दिन चलता रहा, फैक्ट्री बंद हो गई, फिर हो गए, अभी चीफ जस्टिस ने बंद किया उसको, लेकिन इसका कोई हल नहीं। किधर जाएं, किसको कहें, किसके हाथ हम मुनसफी चाहें? तमाम
वो कहते हैं ना, किसके हाथ हम अपना लहू तलाश करें, तमाम ठगों ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो बताइए कोई एडवाइस कीजिए एज ए बिजनेसमैन, नहीं एज ए इंसान पे। ये तो एक पॉलिसी बनेगी, जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती है हुकूमती सतह पे, एज ए इंडिविजुअल हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हम कमेंट कर सकते हैं, कुछ तो पैगाम जाए, लेकिन कुछ लोगों लेकिन ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अदारे इनको ठीक करना नहीं चाहेंगे, या हम खुद ठीक, या हम खुद ठीक नहीं होंगे। हमने अपनी सहूलत के लिए ग्वाले घर में लगाए हुए हैं, वो गंदा पानी डाल के उसमें ले आते हैं, दूध में हम लेने पे मजबूर हैं। आज से आप पीछे 25-30 साल चले जाएं तो लोग खुद दूध लेने जाते थे ग्वाले के पास, अपनी आंखों के सामने दूध धो के लाते थे, उसे खरीद के लाते थे, ऐसे बड़ी होती थी दही, दही कोई कुंडे वाला आपने जो पहले खाया वो लेके आते थे। आज हम उसका इंतजार नहीं करते, पहले हम सुबह भी दही का इंतजार करते थे, शाम तक बनने का इंतजार करते थे, शाम को दोपहर को, आज दोपहर को हमें जरूरत होती है, दही नहीं मिलता तो हम वो गोरमे का उठा लाए, वो नेस्ले का उठा लाए या किसी और का उठा लाए। तो ये हमने खुद में भी कमजोरियां हैं कि हम चीजों प्रोडक्ट को उस एंगल से नहीं, सहल हो गए, सहल हो गए हैं, शॉर्ट हम कहते हैं हमारे हमारे डोर स्टेप पे हर चीज हमें अवेलेबल हो, हमें कोई बॉदर ना करना पड़े, हम पैसे दें और चीज लेके घर आ जाए, इसकी भले ही क्वालिटी कुछ भी हो। ये चीज जब तक ये इदारे हमारे इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं मुकर्रर करें, अब फूड अथॉरिटी ले रही है एक्शन जो है काफी जगहों पे लिया है, उससे कुछ थोड़ी बहुत चले दारों में बेहतरी आनी शुरू हुई है, लेकिन काम नहीं कर रही है। तो ऐसे है कि जंगी बुनियादों पे ये चीजें होनी चाहिए, दिन रात इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों की हेल्थ किसी ने आप देखें कि दुबई की हेल्थ बहुत ड्रॉप हो चुकी थी, जिन्होंने बाहर से बुलाए साइंटिस्ट वगैरह बुलाए कि ये हमारा कैसा लाइफ पीरियड जो है ना कम होता जा रहा है, 50 साल पे आ गया, इसको ऊपर बढ़ाना हमने, कौन से इकदाम किए जाए। तो उन्होंने उन्हें बताया कि जब सारा एनालिसिस कर लिया, उन्होंने बताया कि आप अपना पानी ठीक कर लें, अपने हॉस्पिटल ठीक कर लें और अपना फूड ठीक कर लें। आज उनका वो नॉर्मल लाइफ रेशियो जो है 70-75 साल में चली गई है, हमारी ड्रॉप होते होते अब 45 पे आ गई, मर्दों की 45 औरतों की 52 और 52 साल एज हो गई है, और छोटे बच्चों को एंके लगी हुई है, छोटा बच्चा खांस रहा है, और हमारा 80 साल का बाबा अब भी देहातों में खूंडी के बगैर चल रहा है, मीलों चलते हैं लोग। आप देखिए, आप मरी की तरफ चले जाएं, आप कगानरान चले जाएं, 80-80 साल के बाबे डंडा पकड़ के चल रहे हैं, और जा रहे हैं, और पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जबकि ये मैदानी इलाकों के लोग इतने सहल हो गए हैं, दरवाजे से गाड़ी पे बैठते हैं, और दरवाजे से जाके किसी डिपार्टमेंटल स्टोर तक भी जाना हो तो वहां गेट के आगे गाड़ी पार्क करते हैं। इससे सेहत में जारी बात है कि वो खराबियां, मैंने जो आपने पहले बात की कि हम लोग भी तो सहल हो चुके हैं ना, हम लोग बॉदर नहीं करते कि हम इन चीजों को हमने दुरुस्त करना है, यानी हम तो ये करते हैं कि हमें चाय का कप भी कोई बना दे, कोई बना दे, उसके पानी चाहने देते हैं। अच्छा, ये जो बात हम तवे और पैन पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है सर, ये बताइए कि इससे थोड़ा सा जब पैन में और देगची में जो हमने डालना है, चिकन डालना है, उसका क्या हाल है, वो बताइए जरा। अब तो अशोक साहब आप हंसतीये, आप जारो कतार बोलिए, कल कराची में ग्रेट व्यूअर्स कहते हुए दुख हो रहा है, मरना नहीं शायद ना बेगैर को तो मरना नहीं सर, लाइव कुत्ते दिखाए हैं, जो कराची का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, बाद गधों से भी आगे निकल गई है सर, ये कहां हम जा रहे हैं बताइए अशोक साहब। एक फार्ट को पकड़ने के लिए मेरा ख्याल एक एक डिपार्टमेंट की जरूरत है, एक एक सेक्टर को पकड़ने के लिए। सर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट काम नहीं ना करते, देखे पकड़ा जाता है, कोई भी बंदा पकड़ा जाता है, वो आपने जो पहले इशारतन बात की कि ये ले लेके छूट जाता है, यस ये कहानी जो आप देखें, आप किसी की कंप्लेन कर लें, वो ज्यादा ताकतवर है आपसे, आप क्या करेंगे, आप जाके उसकी कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी, कोई उनके पास आएगा, वो उनको 10-20-50 हजार रुपया देगा, वो छूट जाएंगे, कहानी का तो कंप्लेन किस चीज की, वो खर्चा ही अपने बॉस का चला रहा है जी, बिल्कुल। आप देखिए, हम मुर्गी का चिकन लेने जाते हैं मॉडल टाउन एफ ब्लॉक से, वहां एक चिकन वाला मलक साहब बैठे हुए, गंदा ड्रम रखा है अशरफ साहब, गंदा ड्रम है, मुर्गियां जिबा हो रही हैं, मेरी वो मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाते हैं कि मैं ये मुर्गी को हैंग करते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो कहती है मुर्गी पकड़ के रखें ड्रम में, क्योंकि ऑलरेडी डेथ म्यूजिक वाली मुर्गियां पड़ी हुई हैं। वो बात सुनने की तैयार नहीं है, कसाई खालिद उसके पास जाते हैं, सारे ये जितने गोश्त वाले क्या करें, इंस्पेक्टर भट्टी साहब आते हैं, राउंड लगाते हैं, साहब अच्छा है आप कहते हैं 800 रुपए किलो गोश्त बिक रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं इस सिस्टम को जब तक
हुकूमती पॉलिसियां ठीक नहीं करेंगी, हम इंडिविजुअली तौर पे आपने एक अपना चिकन लेने के लिए उसको हैंग भी करवा लिया, उसको लगा ग्लास में भी लटकवा लिया, अब तो बड़े अच्छे वो मैंने देखा है कई कसाबों ने वो रख लिए हैं ग्लास बने हुए इस तरह भी शेप के, तो चिकन को उसमें डाल देते हैं जिबा करके गर्दन उसकी डाल देते, नीचे ब्लड चला जाता है, चिकन को साफ हो जाता है, साफ हो जाता है, बड़ा अच्छा वो सिस्टम। अगर वो सारे कसाब अगर सुन रहे हैं तो वो इसको सुन रहे हैं बताइए, तो नहीं आप कसाब को जी डायरेक्टर जनरल फूड जनाब मोहतरम डीजी फूड साहब आप बड़ी मदद कर रहे हैं, आपकी टीम भी सुन रही है, ये अशरफ साहब की बात सुनिए, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो मोहतरमा बहुत मेहनत कर रही हैं, प्रेयर्स फॉर ऑनरेबल लेडी, लेकिन मेहरबानी करके जो आपका फील्ड स्टाफ है इनको कहिए खुदा के लिए अपने बच्चों को हराम मत खिलाएं। अशरफ साहब आप बताइए क्या गोश्त 1200-1300 रुपए किलो नहीं पड़ रहा, हमें पानी लगाते कहते हैं जी 800 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो तो वैसे ही दे रहे हैं, कोई हल तो होना चाहिए। गैस के बिलों को छोड़िए, वो तो मीट वो तो गाली गिरंग नहीं है, वो जो आप खिला रहे हैं उसका तो कुछ ख्याल करें। तो ये फूड की बात कर रहे हैं सर, दूध पे भी जरा तो बताइएगा, दूध ये जो आप बाजार से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, उधर से ले, मेडिकल आप मेडिसिन आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, जरा बताइए प्लीज। यकूब साहब आप देखें कि दूध आपने भी बचपन में देखा होगा कि पूरे इलाके में पूरे मोहल्ले में एक दुकान हुआ करती थी, और जब दूध दही की, दूध दही की, और दूध दही का वो जो दुकान होती थी वो दूध वाला जब ग्वाले उसके पास दूध लेके आते थे तो वो उनका पहले कड़ा में खोया मारता था, यस, और उस खोए की क्वांटिटी अगर उसने 5 लीटर दूध का खोया बनाया है तो अगर एक पाव क्वांटिटी बनती है तो वो अगर पाव से कम बनी है तो वो उसे फरी वहीं पर टेकअप कर लेता था, उसका दूध कहता था ले जा तू यहां से। आज क्या है कि वो दुकानें भी हम लोगों ने अपनी सहेली की वजह से खत्म कर दी, और ग्वाला हमारे घर में आना शुरू हो गया। मेरे घर में दूध देता ग्वाला, मेरा भाई ऊपर रहता था वो ऊपर से देखता था, वो जनाब 1 लीटर उधर से डाला, आधा लीटर उधर से डाला, वो 2-3 लीटर मुझे बना के तो वो मुझे हंसता था तेरा दूध नीचे बन रहा है। अशरफ साहब आपने वक्त दिया, नाज़रीन हम प्रोग्राम जारी रखेंगे, एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। Welcome back, the great viewers. Thank you very much for joining the program live with YG Kamiana, and you are watching DNN Lahore, Pakistan. The great viewers, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं जो आपको यकीन बहुत पसंद आएगा, और ये हर घर की आवाज है, हर घर की, हर किचन की ये जरूरत है, और इस पे हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कर रहे हैं, नॉन स्टिक पुराने तवे, किचन का पुराना सामान, पाकिस्तान में मुर्गी के ज़बह करने का अंदाज, फिर ड्रमों में डाल देना, फिर 2 नंबर दूध, हर खुराक में मिलावट, अंडों में अंडों का बुरा हाल, पोल्ट्री का बुरा हाल, और हमारी जो पंजाब हुकूमत है, तमाम 4 सूबों की हुकूमतें यकीनन कोशिश कर रही होंगी, लेकिन अगर कड़ा इत्साब किया जाए, जो जो फील्ड स्टाफ है उनको खौफ खुदा दिलवाया जाए, तो हमारी जो ये जो गिरती हुई सेहत है, गिरते हुए अस्पतालों में भरमार है, थानों में भरमार है, तो इस पे यकीनन कमी आएगी, लेकिन इसके लिए किसी मसीहा की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं जितनी हमें अपने आप का जो जमीर है उसको मलामत करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, जो हमारे इदारों के मुलाजमीन हैं, अगर वो खौफ खुदा करें और वो सोचें कि जो अगर वो दयानतदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे तो गोश्त गलत बिकेगा। जब लाइफ स्टॉक का के इंस्पेक्टर साहब दयानतदारी से काम नहीं करेंगे, वो कसाब को नहीं पूछेंगे, वक्त पे जाके नहीं देखेंगे, स्टैंप नहीं देखेंगे, टैग नहीं देखेंगे, स्लॉटर हाउस में काम करने वाले जो इदारों के मुलाजमीन हैं, डॉक्टर साहबान हैं, जो स्केल चेक करने वाले हैं, बात तो ये है कि हर काम, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि हर काम वजीर आला नहीं करते, वजीर आजम नहीं करते, हुकूमत के टॉप लेवल के नहीं काम करते, उनके अपने काम हैं, पार्लियामेंट का अपना काम है, लेकिन डाउन द लाइन ग्रास रूट पे तो काम मैंने और आपने करना है, इंस्पेक्टर साहबान ने करना है, टाउन्स के जो मुलाजमीन है उन्होंने करना है, सैनिटरी वर्कर्स ने करना है, वासा के मुलाजमीन ने करना है, हमारा
जो ड्रेन सिस्टम है वो वजीर आला या वजीर आजम या गवर्नर या डीसी या कमिश्नर्स चीफ सेक्रेटरी इन्होंने तो नहीं करना, आप सबने करना है। हम जब काम ही नहीं करेंगे, जब फील्ड जब रोज डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से एक ट्विटर के ऊपर सब्जियों के रेट्स लिखे होते हैं, मैंने गुजारिश की थी डिप्टी कमिश्नर साहब, यकीन उनको ऑफिस जो उस पर एक लिस्ट छाप देता होगा, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास इतना टाइम कहां होगा कि वो खुद देखें। हालांकि वो एक खातून है, उनके घर में सब्जी आती होगी, लेकिन उनके घर में तो सब्जी कमाल आती होगी, गोश्त कमाल आता होगा, कमिश्नर साहब के घर में गोश्त कमाल आता होगा, सेक्रेटरी हेल्थ के घर में तमाम चीजें कमाल आती होंगी, बेकमाल तो हम आवाम के घर में आती है। तो जनाब हुकूमत वक्त हुक्मरान जो वक्त के हुक्मरान है, ये नीचे जरा लगामे खींचे तो सब सीधा हो जाएगा, आप सीधे तो सब सीधा। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब फील्ड स्टाफ जो है प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जो जो भी एहलकारान हैं वो खौफ खुदाई नहीं करेंगे, वो खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, वो चंद टकों के बस भेड़ियों को छोड़ देंगे। सारे 2 करोड़ की आबादी में हम देखते हैं जी कि 70,000 रुपए जुर्माना कर दिया, 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, किसी शॉप पे चले जाए, किसी आप जो टॉप लेवल के ब्रांडेड स्टोर हैं उस पे जो डीसी काउंटर बनाया हुआ है वो बायस नदामत है, बायस शर्म है। अब आइए डिप्टी कमिश्नर साहब, डीजी फूड भेजिए मेरे साथ, हम आपको नंबर बोल रहे हैं, हमारा नंबर इस पे डिस्प्ले हो रहा है, वी रिपीट इट, प्लीज कॉल, प्लीज कॉन्टेक्ट अस 03009497766, वी रिपीट 03009497766। आइए अपने हमें साथ लीजिए, चलते हैं, आपको बताएं कि आपकी लिस्ट क्या है, प्राइस लिस्ट क्या है और बाजार में क्या भाव बिक रही है, लोगों के साथ क्या सलूक क्या हो रहा है। आपको कसाबों के नाम गिनवा देते हैं हम, ये मॉडल टाउन लिंक रोड पे आरफ मटर, बाहर जाके देखिए क्या दुकान का हशर है। एफ ब्लॉक में जो मटन की शॉप है वो खालिद साहब नफीस आदमी है, अच्छा आदमी है, साफ सुथरा गोश्त देता है, लेकिन रेट जाके चेक करिए, मुस्कुरा के मिलेगा, सारा कुछ होगा, रेट वही 900,000 रुपया और साफ वाफ करके जाएगा 1200-1300-1400 पे पड़ेगा। मुर्गी का ले लीजिए, उसी एफ ब्लॉक की मार्केट में एक मलिक साहब है, 2-3 और मुर्गियों वाले हैं, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुर्गी काटी, तकबीर पड़ी नहीं पड़ी, ड्रमों में फेंकी जा रही है, सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं, बिल्लियां घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, क्या यूरोप में ये होता है? हम मिसालें देते हैं, वजीर आजम इमरान खान यूरोप की मिसाल देते हैं, यूरोप में ऐसे होता है, गोश्त की दुकान देखी आपने, आप वहां पढ़ते थे, मैं भी जाता हूं, हम सब जाते हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, क्या वहां सब्जी की दुकानें ऐसी हैं? वहां तो सब्जी की वो सब्जी ऐसे होती है जैसे लाखों रुपए का खूबसूरत सूट सिला हुआ, बेहतरीन चमकदार हर चीज, कद्दू बैंगन आलू फल, खूबसूरत फल बेचने वाले खुश मिजाज। अब यहां क्या हाल है, यहां क्या हाल है उनका, उन्होंने क्या हाल कर दिया हुआ है? लिहाजा हमें खुद एहतसाबी करनी होगी, ये जितने भी सरकारी रेट्स हैं कोई चीज नहीं मिल रही, नथिंग। मैं बबांगे दोहल हम आपको कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ किसी स्टोर पे चले चलिए, जो भी डीसी काउंटर्स बने हुए हैं बाजार में, तो खैर जो आम सब्जी वाला वो तो देता ही ना, रेड़ी वाले ने क्या देना है, उसको छोड़ दें, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों पे आप फल की हालत देख लें, आप किसी चीज को देख लें, कोई नहीं पूछ सकता। आप कपड़े की दुकान पे चले जाएं, आप ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, जो मुंह से निकल गया वही लेना है। तो हम तो दुआई कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे, कोई एहतसाबी अमल ऐसा शुरू हो। ये नैब ने तो बाकी जो एहतसाब क्या कर रहे हैं, ये जो जिली इंतजामिया खुदा के लिए यही एहतसाब कर दे तो आवाम को यही बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वो तो बड़ों के पीछे लगे रहे, एजेंसियां लगी रहे बड़ों के पीछे, उनसे पैसे निकलवाए, उनकी जायदादें जब्त करें, आवाम के लिए हुक्मरानों, आवाम के लिए तो आप मसीहा बने।
लंबे लंबे करोड़ों को मत छोड़ें, ये छोटे छोटे लोगों को जिंदा रहने का हक दें। खाने पीने की अशिया 10 गुना महंगी कर दी जाती है, 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए की चीज 500 रुपए में बिकती, कोई पूछने वाला नहीं। जो फील्ड स्टाफ है उनसे गुजारिश करेंगे कि बच्चों में बानी करो, ये अल्लाह ने आपको अगर ओहदे दिए हैं, इसकी आप तनख्वाह लेते हैं, तो मेहनत कीजिए और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाइए। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि लंदन में हमारा रब्ता हो जाए। हमारे बड़े मेहरबान, हमारे दोस्त, हमारे बड़े स्वीट फ्रेंड जनाब आसिफ चोई साहब डायरेक्टर हैं TV99 के, हम उनसे रब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि आया वहां ये जो किचन प्रोडक्ट्स हैं, ये जो नॉनस्टिक और दूसरे बर्तन हैं, उनका वहां क्या हाल है, वहां क्वालिटी पे क्या कंप्रोमाइज होता है, और अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है तो उस पर कॉम्पनसेशन क्या है, कैसा शुरू किया जाता है। हमारी कोशिश है, हम चॉइस साहब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही हमारा रब्ता उनसे होता है हम उनसे पूछते हैं और आपको वो शेयर भी करवाते हैं। लिहाजा लेट्स ट्राई के चॉइस साहब, आसिफ चॉइस साहब, नाज़रीन चॉइस साहब का नंबर एंगेज आ रहा है, वो मसरूफ होंगे, इंशाल्लाह हम एक और कोशिश करते हैं लंदन में ही हमारे दूसरे साथी जो दोस्त हैं नदीम साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि हम अपना घर तो ठीक करें, हम लंदन लंदन अमेरिका चाइना इंडोनेशिया मलाइशिया तो बात की बात है, हम यहां ही अभी देख क्या भुगत रहे हैं, क्या हो रहा है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि खुद एहतसाबी करें और मामला ठीक करें। इंशाअल्लाह अजीज हम ये जहाज जारी रखेंगे, वो मेट्रो कैश एंड कैरी हो, डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि पेट्रोल पंपों पे बुरा हाल है, पेट्रोल 2 नंबर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, ऑल्ट्रेशन है, गेज खराब है, बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा मेहरबानी फरमा के पेट्रोल पंपों पे भी जुल्म की इंतहा हो गई है, दूध की दूध का तो हाल जो हो गया है वो आपके भी सामने है, पेट्रोल का हाल जो हो गया है वो अवाम का कचूमर निकाल के रख दिया है। 100 रुपए लीटर या 70 रुपए लीटर 80 रुपए लीटर वाला जो है वो जाके 100 से ऊपर पड़ रहा है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है, बुरा हाल हो गया है, मेंटेनेंस पे ऊपर 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं, गरीब आदमी का मोटरसाइकिल बर्बाद हो गया, दरमियाने दर्जे की गाड़ी बर्बाद हो गई। लिहाजा बराहे करम इनको भी तनावे खेचे, इनकी इनकी ब्राइडल्स खेचे, इनको रिप्रीमांड करें, इन जुर्मानों से नहीं, जब तक कैद में जिंदा खानों में नहीं डाले जाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हम यूं लौटें, हमारे साथ रहिए।